अलवर न्यूज के रिपोर्टर कौशल शर्मा के अनुसार रविवार को भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा की तरफ से नगली सर्किल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया गया। एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र मीना ने बताया कि सांसद किरोड़ी लाल मीना को पुलिस प्रशासन ने अनैतिक तरीके से गिरफ्तार किया है। यदि मीना को समय रहते रिहा नहीं किया गया तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष तरुण जैन, सुनील गुर्जर, एडवोकेट महेश सैनी सहित अनेक युवा मौजूद रहे। कांग्रेस सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं वो इतनी राजस्थान में इतनी हावी हो गई हैं कि वो मन चाहे जो डिसीजन है वो ले रहे हैं। अभी उनके एक एमएलए ने, जो रामकृष्ण उनका एमएलए है, उन्हें भगवा तिरंगा वहाँ से जो फहराया हुआ था उसको फाड़ा, उसकी टीम द्वारा फाड़ा गया। उसके खिलाफ जो जन आपको राजस्थान में पैदा हुआ उसके लिए किरोड़ी साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि ये एक गलत प्रकरण हुआ है। कांग्रेस सरकार इस पे एक्शन ले जिससे कि इस पे जन आम की जो भावनाएं आहत हुई है उनको लेकर शांति प्रदान हो, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना जी को जिस तरह से गहलोत सरकार ने गिरफ्तार किया है उसके विरोध में एसटी मोर्चा द्वारा ये पुतला दहन कार्यक्रम किया गया था, ये गहलोत सरकार की तानाशाही है, दमनकारी नीति है। अगर गिरफ्तार किया गया है सांसद किरोड़ी लाल मीना को, उन्होंने जो झंडा लगाने के पक्ष में थे उन्होंने बयान दिया है कि हमारे हिंदुत्व के प्रति जो उन्होंने बताया कि सब समाज हमारा हिंदुत्व समाज के हिसाब से जो काम हो रहे हैं आमगढ़ के किले में, तो उनको तो पुलिस प्रशासन द्वारा पूर्व में भी चेताया गया कि अगर झंडा लगाया जाएगा क्यों, जो झंडा जब लग शुरू से झंडा लगा हुआ था, झंडा हटाया गया था उसका तो सरकार ने कुछ नहीं करा, और जब झंडा लगाने गए हैं दोबारा से और झंडा तो पुरुष समय से लगा हुआ रहे, जो प्रदेश नेतृत्व जो हमको आदेश देगा हम उस पर काम करेंगे। और माननीय किरोड़ी लाल मीना जी ने जो कहा है संघर्ष में, हम उनके कंधे से कंधा मिला के साथ में। तरुण जैन, आज हमने मुख्य मांग क्या है, हमारी मुख्य मांग है कि हमारे डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल मीना जिन्हों को तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए, अन्यथा ये पूरा मीणा समाज, अन्यथा पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे आएगी। गहलोत सरकार, आपको ये बताना चाहते हम युवा साथी कि अगर आप लोगों ने ऐसे ही प्रत्येक आम नागरिक के साथ अत्याचार करने की कोशिशें करी और जो आप लोग कर रहे हो इसका परिणाम आपको आने वाले चुनाव में तुरंत प्रभाव से पता लगेगा।